नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। गदा को प्राचीन भारतीय अस्त्र माना गया है। गदा की बात होते ही मन में महाबली श्री राम भक्त हनुमान जी का नाम आ जाता है, क्योंकि गदा महाबली हनुमान जी का प्रमुख अस्त्र माना गया है। इस अस्त्र को भगवान श्री विष्णु जी द्वारा भी धारण किया गया है। वहीं दूसरी तरफ महाभारत में भीम, बलराम, दुर्योधन, जरासंध गदा युद्ध में माहिर थे। वहीं मौजूदा समय में नामवर गामा पहलवान को गदा के विशेषज्ञ माना गया है। इसी कारण पहलवानी में विजेता रहने वालों को हमेशा पुरस्कार के रूप में गदा भेंट करने की परंपरा है। गदा है महाबली हनुमान जी का प्रमुख अस्त्र। गदा को भारतीय संस्कृति में एक पारंपरिक अभ्यास उपकरण माना गया है। गदा एक प्राचीन भारतीय पौराणिक अस्त्र है। इसमें एक लंबा दंड होता है। वहीं इस दंड के एक सिरे पर भारी गोल लट्टू जैसा शीर्ष होता है। दंड को पकड़कर शीर्ष की ओर से शत्रु पर प्रहार किया जाता है। इसका प्रयोग केवल बल से होता है, जो बेहद कठिन माना गया है। गदा भगवान शिव के अवतार महाबली हनुमान जी का प्रमुख अस्त्र है। महाबली होने के कारण ही हनुमान जी को पहलवानों में देवता स्वरूप पूजा जाता है। गदा चलाने में कौन कौन पारंगत रहे? हिंदू पुरातन साहित्य में गदा अस्त्र के बारे में विस्तार से जानकारी वर्णित है। हिंदू धर्म में त्रिदेव में से एक भगवान श्री विष्णु जी एक हाथ से गदा धारण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस धरती पर महाभारत में भीम, बलराम, दुर्योधन और जरासंध को गधा अस्त्र चलाने में पारंगत माना गया। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से अधिक गदा चलाने में किसी को माहिर नहीं माना गया। भीम व दुर्योधन को बलराम ने गदा अस्त्र चलाने में पारंगत किया था। गदा को कितनी तरह से किया जाता है संचालित? यह सत्य है कि हर अस्त्र को चलाने में महारत कठिन अभ्यास के चलते ही हासिल की जा सकती है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में गदा अस्त्र को 20 तरह से संचालित करने की जानकारी मिलती है। अग्नि पुराण में गदा युद्ध के आहत, गौमूत्र, प्रभृत, कमलासन, उधर्वगत्र, नमित, वाम दक्षिण, आवृत, परावृत, पदोधृत, हंसमार्ग और विभाग नामक प्रकारों का उल्लेख वर्णित है। वहीं महाभारत में भी कई प्रकार के गदा युद्ध और कौशल का विस्तृत वर्णन है। प्राचीन युद्ध में गदा को बारूद में लपेटकर ऊंचे स्थान से या फिर सामने से शत्रु पर फेंका जाता था, जिसे आज प्रेक्षास्त्र के तौर पर जाना जाता है। शास्त्रों में गदा को विशेषकर गौमूत्र द्वारा प्रक्षेपित किए जाने की जानकारी है। पहलवान व्यायाम करने में करते हैं गदा यानी मुग्दर का प्रयोग। हनुमान जी को सभी पहलवान अपने गुरु के रूप में पूजते हैं। आधुनिक समय में गामा पहलवान को गदा के प्रयोग का माहिर माना गया है। मौजूदा समय में गदा का उपयोग व्यायाम के तौर पर किया जा रहा है। पहलवान अभ्यास के लिए गदा को पीछे की ओर विभिन्न तरीकों से घुमाते हैं। यह विशेषकर पकड़ मजबूत करने तथा कंधों की ताकत बढ़ाने में कारगर है। अभ्यासकर्ता की क्षमता तथा स्तर के अनुसार विभिन्न भार तथा ऊंचाई की गदा प्रयोग की जाती है। कुश्ती प्रतियोगिताओं में विजेताओं को गदा देकर सम्मानित करने की परंपरा लंबे समय से जारी है। उत्तर भारत के पहलवानी अखाड़ों में गदा का विशेष प्रचार हो रहा है। पहलवानों में मुग्दर लकड़ी का बना गदा का एक रूप को कसरत के लिए प्रयोग किया जाता है। पहलवान एक हाथ अथवा दोनों में मुग्दर को लेकर आगे पीछे ऊपर तथा नीचे घुमाते हैं। इससे हाथ, बाजू और छाती की नसें मजबूत होती हैं। कराटे में चीसी उपकरण गदा का विशेष रूप। कराटे में कंडीशनिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण चीसी तथा इसकी कसरत की शैली गदा तथा मुग्दर से ही प्रेरित है। पश्चिमी देशों में प्रचलित वार क्लब में होने वाली लड़ाइयों में प्रयुक्त होने वाले उपकरण भी गदा से ही प्रेरित हैं। तो दोस्तों, यह थी प्राचीन भारतीय अस्त्र गदा से जुड़ी जानकारी। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।